हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्नबिल बुक की पोयम द वॉइस ऑफ द रेन। दिस पोयम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इफ़ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी लेसन्स और ग्रामर टॉपिक्स की वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड एसेस्ट एंड द जर्नलिस्ट आल्सो। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द फ्री वर्स। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द पोयम वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन जो पोयम है, ये पोएट और रेन के बीच जो है इमेजिनरी कन्वर्सेशन है, या आप इसे कह सकते हो कि ये डायलॉग फॉर्म है। जब रेन फॉल्स फ्रॉम द हेवन अपॉन द अर्थ, तब पोएट गिरती हुई बारिश की बूंदों से क्वेश्चन करता है, और जो गिरती हुई बारिश की बूंदें हैं वो पोएट को आंसर करती हैं। पोएट यहाँ पर उन्हीं आंसर्स को अपने पोयम वॉइस ऑफ द रेन के थ्रू ट्रांसलेट कर रहा है। एंड हु आर दू, सेट आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। एक बार पोएट सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सॉफ्ट फॉलिंग शावर मीन्स कोमलता से गिरती ही बारिश की बूंदों की आवाज सुनता है, और पोएट उन गिरती हुई बारिश की बूंदों से क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो। एंड पोएट सरप्राइज होता है जब वही रेन ड्रॉप्स आंसर करती हैं। रेन ड्रॉप्स जो है आंसर अपनी ही भाषा में देती हैं, एंड पोएट ट्रांसलेट इट ओन लैंग्वेज। यानी रेन ड्रॉप्स पोएट से जो भी आंसर कर रही हैं, पोएट उसे अपनी ही लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट करता है। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश की बूंदें जो पोएट से बात कर रही हैं, वो पोएट को कहती हैं कि वह पोयम ऑफ अर्थ है, यानी धरती की कविता है। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल मीन्स सदा ही या निरंतर, इम्पैल्पेबल मीन्स जिसे छुआ ना जा सके, दैट वी कैन नॉट टच, एंड बॉटमलेस मीन्स जिसकी गहराई को ना मापा जा सके। स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासेस में रेन का वाटर साइकिल पढ़ाई है कि किस तरह से वाटर वेपर बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर वो जो धरती पर एज ए शावर रूप में गिरते हैं। यहाँ पर रेन ड्रॉप्स जो है यही डिस्क्राइब कर रही है, और रेन कहती है कि वह लगातार धरती और सागर में पैदा होती रहती है। सी को यहाँ बॉटमलेस कहा गया है क्योंकि इट इज़ अ सो डीप, और जब ये वाटर साइकिल चल रहा होता है तो कोई भी इसको महसूस या इसे कोई टच नहीं कर सकता। देन रेन सेज अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। वेंस मीन्स या जहाँ से, वैगली मीन्स इन अ वे दैट इज नॉट क्लियर, मतलब जो क्लियर ना हो, एंड हेवन मीन्स यहाँ पर स्काई से है। रेन कहती है कि वह आकाश की तरफ उठ जाती है और डिफरेंट डिफरेंट जो है रूप धारण कर लेती है। जैसे आपको पता है कि हर क्लाउड की शेप स्टूडेंट्स अलग अलग होती है, अगर आप उनको देखो तो वो हर एक क्लाउड जो है एक दूसरे से अलग अलग होता है। ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। रेन कहती है कि बारिश का रूप बदलता है, लेकिन बारिश का जो एसेंस है, एलिमेंट है, वो हमेशा सेम ही रहता है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डिसेंड मीन्स नीचे को आना, लेव मीन्स धीरे से बहना, ड्रॉट मीन्स सूखा या बंजर, एंड एटोमिस मीन्स टानी पार्टिकल्स। रेन पोएट को कहती है कि वे इस धरती की सूखी जगहों, बंजर धरती और धरती के जो टाइनी पार्टिकल्स हैं और डस्ट लेयर्स को नहलाने के लिए आकाश से नीचे आती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। लेटेंट मीन्स एग्जिस्टिंग बट नॉट नोटिसेबल। रेन यहाँ अपने इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहती है कि वह आकाश से धरती पर सीड्स को लाइफ देने के लिए आती है, क्योंकि जब तक धरती में पड़े बीजों को पानी नहीं मिलेगा
तब तक उन बीजों को नया जीवन नहीं मिल सकता, यानी वो बीज जो जो है अनबोर्न रह जाएंगे. सो रेन सेज हियर दैट इट्स गिविंग लाइफ टू सीड्स. एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन. हियर रेन अगेन सेइंग कि वह जो वाटर साइकिल है जो रेन का, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और बार बार वो खुद को ओरिजिन देती है, बार बार वो खुद को जन्म देती है और ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है और वह धरती को भी लगातार इस तरह जीवन वापस देती रहती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. इस तरह रेन कहती है कि वह धरती को शुद्ध और सुंदर बनाती है, यानी जिन चीज़ों पर धूल मिट्टी चढ़ी रहती है वे उसके आने से सारी चीजें साफ हो जाती हैं, फ्लावर ब्लूम करते हैं. इस तरह से पोएट रेन से जब क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो, तो रेन ब्यूटीफुली बताती है कि वे क्या है और कैसे उसका जन्म होता है और कैसे वे धरती को एक नई लाइफ जो है देती है. यहाँ पर पोएट और रेन की जो कन्वर्सेशन है खत्म हो जाती है और आगे की जो लाइन है वो पोएट जो है अपने मन में सोचता है. फोर सॉन्ग इशोइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्टरिंग रैक्ट और अनरैक्ट ट्यूली विद लव रिटर्न्स. रैक्ट और अनरैक्ट मीन्स किसी के द्वारा सुना गया या ना सुना गया. इन लाइन्स में पोएट रेन को एक सॉन्ग के साथ कंपेयर कर रहा है और जैसे एक सॉन्ग होता है और उसका कोई इशोइंग होता है बर्थ प्लेस से. बर्थ प्लेस में सिंगर से निकलता है वो गाना. आफ्टर फुलफिलमेंट और अपना लक्ष्य जो है पूरा करने के बाद वेंटरिंग इधर उधर घूमते हुए रैक्ट और अनरैक्ट, कोई उसे सुने या ना सुने, वो प्यार के साथ वापस उस सिंगर के पास आ जाता है और वही उसका जो है बर्थ प्लेस होता है. वैसे ही वापस आता है जैसे रेन धरती से वाटर वेपर बनकर उठती है, ऊपर क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है और फिर रेन के रूप में वापस धरती पर आ जाती है, जैसे सॉन्ग वापस आ जाता है. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पोयम में. इन दिस पोयम द मेन पोएटिक डिवाइस यूज दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन. स्टूडेंट, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी नॉन लिविंग चीज का ह्यूमन बीइंग के ट्रेट के साथ कंपेयर करना. जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ. लाइटिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. डांस किसका ट्रेट है? ह्यूमन का. लेकिन इस एग्जाम्पल में लाइटनिंग को डांस करते बताया गया है. रेन की साउंड होती है, वॉइस नहीं होती, वॉइस ह्यूमन की होती है. सो दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन. द मेन पोएटिक डिवाइस इज हियर यूज दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन. एंड सेकेंड लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुआ है दैट इज अ मेटाफोर. मेटाफोर का मतलब है कि जब टू थिंग्स जो बिल्कुल डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी उनके ट्रेड के अकॉर्डिंग उनकी तुलना करना. जैसे रेन कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. यहाँ पर रेन खुद को पोएम कहती है. रेन यहाँ अपना जो कंपेयर है वो पोएम के साथ कर रही है. स्टूडेंट, इस तरह हमारी पोएम जो है वॉइस ऑफ द रेन जो है कंप्लीट होती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.